भाई साहब आप लोग? हम लोग काले कसब तहसील जिला गोंदिया से आए हैं हम लोग। और कब से जुड़े हुए हैं इस संस्थान से? हम लोग मतलब 95 से जुड़े हैं। आपके पिताजी भी इस संगठन में थे? हाँ, हमारे पिताजी लोग थे इस संगठन में पहले। तो आपको ये बिल्ला जो है आपके पिताजी से मिला या आप नई भर्ती हुए इसमें? नहीं, हम लोग तो पिताजी लोगों ने लिए थे पहले। हाँ हाँ, गाँव गाँव में हम आते थे, संस्था के बैठक उठक होते थे, वहीं से ले लिए थे। तो आप इस संस्था में इस वर्दी को पहनने के पीछे कोई उद्देश्य है आपके मन में? आप कैसे इसको ज्वाइन किया? हाँ, हम लोगों ने यहाँ इसके एक भारत भूमिका भी है माझी सरकार द्वारा लिखित। हाँ, उसे हम लोगों ने पढ़े। हाँ भाई, उन्होंने यह आदिवासियों के लिए गांव गांव जाके सभी आदिवासियों को जगाया। सबसे पहले तो इतिहास में लिखा गया है कि माझी सरकार जी ने सभी गांव गांव में जाके अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ ये संदेश दिए। उस हिसाब से हम लोगों ने भी यह संस्था में ज्वाइन करके हमें भी अच्छा लगा। आप अपने गाँव में कितने लोग हैं आपके माझी सरकार जी के सैनिक? हमारे गाँव में एक पंचायत भी है। हम लोग अभी वर्तमान में तालुका उपाध्यक्ष के पद पे हैं आप कार्यरत। हाँ, तो हमारे गांव में करीब करीब छोटे छोटे गांव होते हैं देहातों में, तो लगभग 25 घर है। मतलब तो 25 घर में पूरे सदस्य हैं, उसमें महिला भी है हमारे सदस्य। अरे वाह। तो आप जैसे दूसरे गांव में कहीं आदिवासी प्रताड़ना या किसी आदिवासियों को कोई तकलीफ संबंधी कोई संदेश समाचार मिलता है तो क्या आप जाके उनका सहयोग करते हैं? हाँ जी, जरूर करते हैं। हम लोग तालुका के होने के नाते हमारे तालुका में मतलब 8 पंचायत। हाँ, पंचायत के हिसाब से फिर हमारे क्षेत्र कार्यालय यानी सुझाव देते रहते हैं। कई किसानों के जमीन खेती के बारे में जैसे फॉरेस्ट अभी जो अतिक्रमण किए थे। हाँ हाँ, तो उसमें फॉरेस्ट वाले वो बोलते हैं हमारे जमीन। हाँ, तो उसमें हम लोग जाते दखल हैं, देके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हालांकि सरकारी जमीन है, हम लोगों ने खेती की है, लेकिन जब किसान 25 साल से कर रहा है तो उसे काबिल कास्त माना जाए, इससे 3-4 केस सॉल्व किए हम लोगों। तो आप लोगों का जैसे एक क्रम बंधा होगा, यहाँ से नहीं सॉल्व हुआ तो आप यहाँ तक दिल्ली तक जो आप लोगों का कार्यालय है वहाँ तक ऊपर संदेश को भेजते होंगे और सॉल्व कराते होंगे। यानी हमसे जैसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। हाँ, हमारे जिला कार्यालय भी है। हाँ, और प्रांत कार्यालय भी है। हाँ, तो हम ऐसे कार्यालय के माध्यम से सॉल्व करते हैं और ऑफिसर लोगों के साथ जाके बात करते हैं कौन सा प्रॉब्लम है क्या है, तो इस हिसाब से बहुत सारे। तो आप क्या ये वर्दी पहन के जाते हैं ऑफिसर लोगों के पास? हाँ जी, ये वर्दी पहन के जाते हैं। मना नहीं बोलते होंगे कैसे ये क्या वर्दी है कैसे, तो क्या जवाब देते हो आप? हम लोग एक संगठन श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था के एक अधिकारी हैं। ये उन्हें बताते हैं हमारे संगठन के बारे में जानकारी पहले कि हमें 1951 से यह हमारा संस्था का गठन हुआ है, उसका एक प्रचार माध्यम है, इसलिए हम लोग ये वर्दी पहन कर ही जाते हैं ऑफिसरों के पास। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई।